गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम फ्रॉम माधव शिक्षा निकेतन हाई स्कूल की टीचर। जैसे कि आप नर्सरी क्लास से पढ़ते आ रहे हो काउंटिंग, तो आपने 1 से 100 तक की काउंटिंग सीखी थी, तो अब मैं आपको 100 से आगे की काउंटिंग सिखाती हूँ। तो जैसे कि हम लिखते हैं 100 तक, तो 100 आता है हमारा 3 वर्ड्स में, जैसे HTO 100, तो ये हमारे 3 संख्या में होता है 100, तो ये 1 संख्या है हमारी। तो 1 में हमारी केवल 1 सिंगल संख्या आती है, जैसे 101, तो इसमें 101 आया, तो 1 हमारा क्या है 1, और ऐसे ही 2, तो ये हो गया 102, तो क्या बन गया ये 102। इसी तरीका से 103, 103, 104, 104, 105, 105, 106, 106, 107, 107, 108, 108, 109, 109, अब 10, 10 हमारा 10 की संख्या में आ गया, और 1 हमारा 100 है ही, तो ये हो गया 110। इसी तरीका से 111 की लाइन हम इस तरीका से लिखेंगे, सब में हम 100 लगाते जाएंगे, और 11 की लाइन जैसे होती है 11, 12, 13, तो हम उसी तरीका से इसमें काउंटिंग लिखते जाएंगे। तो 100 हमने ये लगाया, 11 के बाद क्या आता है हमारा 12, इसी तरीका से 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, इसी तरीका से 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, इसी तरीका से 131, तो 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 40, इसी तरीका से 141, तो 142, 143, 144, 145, 45, 146, 46, 147, 47, 148, 48, 149, 49, and 150, 150। तो इस तरीका से मैंने आपको ये 101 से 150 तक की काउंटिंग कराई है।